नमस्कार दर्शक मित्रों, अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कहावत को सार्थक किया है अहमदाबाद की दो महिला ने। आज हम आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं अहमदाबाद की दो ऐसी महिला, टेबल टेनिस खेल रही है और काफ़ी सारा उन्होंने अवॉर्ड भी जीते हुए हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं दो, वो हमारे साथ है, आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले है टेबल टेनिस प्लेयर भावीना पटेल और हमारे साथ दूसरी महिला है सोनल पटेल और उनके साथ है उनके कोच लालन दोषी। तो उनसे आप रूबरू करेंगे। भावीना बहन और सोनल बहन दोनों को बारी बारी में पूछूंगा कि आप जो ये टोक्यो में जापान में होने वाला है पैरा ओलंपिक्स, तो उसमें आप क्वालिफाइड हुई है और 1973 के बाद इंडिया की पहली दो महिलाएं हैं आप, और गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये आप दोनों क्वालिफाइड हुई है, तो आप कैसा महसूस कर रही है? ऑफ कोर्स सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है और उसके लिए मैं मतलब पूरी जी जान लगा रही हूँ। तो मुझे मतलब अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम वहाँ पे बेस्ट अपना दे के आए और हमारे भारत देश का झंडा गाड़ के आए। भावीना जी, आप बताएंगे आपकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली टेबल टेनिस खेलने की? जब मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम आई थी, तब मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, तो मेरे लिए एक सिटी में आके रहना और उसके मतलब उसके तौर तरीके सीखना मेरे लिए एक चैलेंज था। तो वही चीज़ थी और वहाँ पर मुझे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में मिस तेजल लाखिया मैम ने, जो हमारे आईटीआई के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्होंने मतलब ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उनकी प्रेरणा से ही मतलब हम टेबल टेनिस में आगे बढ़ सके। भावीना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पीएम से भी मिले हैं और पीएम से बात भी की थी आपने, तो पीएम भी बहुत स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने क्या बात कही आपको? हाँ, मैं बिल्कुल ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हम माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर से मिले थे, तो हम 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने जो हमें ब्लेसिंग्स दिए थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए थे, वो जब हम उनको मिले तो उनको वो सारी बातें याद थी कि उन्होंने हमारी व्हीलचेयर को पुश करके उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दिए थे, वो सारी बातें उनको याद थी। उन्होंने हमारा चेहरा देखते ही पहचान लिया था कि हाँ, ये हमारी ही बेटियां है। ऐसे करके मतलब मोदी सर ने भी मतलब बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया था हमें। जी, आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, अवार्ड जीते हैं, तो आप इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? इसके लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे माध्यम है जिनको हम क्रेडिट देना चाहेंगे, जैसे कि ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑफकोर्स हमारे कोच सर मिस्टर लालन दोषी सर, हमारी फैमिली और ये सब और मेरे फ्रेंड्स, सबका ही ये मतलब मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ और उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन सबके सपोर्ट की वजह से हम आज टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। अच्छा भावीना जी, आप बहुत सारे देश में टेबल टेनिस खेल के आए हैं और आपको वहाँ कैसा सम्मान मिला, आपका कोई अनुभव कोई ऐसा शेयर करना चाहे? बिल्कुल, जब हम पहली बार जॉर्डन गए थे, जब हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट था, तो हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हम तब मतलब नया खेल रहे थे, नया सीख रहे थे। जब हम लोगों ने वहाँ पर चाइना, कोरिया और बाकी कंट्री के प्लेयर्स को देखा, वो तो मतलब टेबल टेनिस खेलते थे, मतलब ऐसे खेलते थे कि जैसे बस बॉल की साउंड ही आती थी, टक 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 टक। तो उन लोगों को देख के हम लोगों को ये लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है।
लेकिन एक बात ये भी हम लोगों ने मतलब सोच के रखी थी, या हम में इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम चाइना वालों के साथ मतलब उन लोगों को भी हराएंगे, तो आज वो दिन आ गया है। आपके कोच है लालन दोषी जी, उनके उनसे बात करेंगे कि पैरा ओलंपिक में दोनों महिला ये टेबल टेनिस प्लेयर जा रही है, तो आपने क्या तैयारियां की है इसके लिए? सर हम लोग अभी हर कंट्री के प्लेयर, अभी हमारे दोनों प्लेयर वर्ल्ड में रैंक प्लेयर है जी। भाविना बेन का रैंक है, भाविना पटेल का रैंक है वर्ल्ड में 8th रैंक है, और सोनल का रैंक है 19th रैंक है वर्ल्ड में। तो अभी रैंकिंग तो हमारा अच्छा ही है मेडल लाने के लिए, और सभी कंट्री के साथ हमारी फाइट भी अच्छी रहती है। इवन एशियन में भी भाविना और सोनल मेडल लेके आए हैं इंडिया के लिए, तो काफ़ी क्लोज मैच है हर कंट्री के साथ। पर अभी हम एक्स्ट्रा में ऐसा कर रहे हैं कि हर कंट्री के प्लेयर्स के अलग अलग कंट्री के साथ मैच देख रहे हैं, जिससे कि हमको आइडिया आ रहा है कि वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं कि जिससे कि हम बहुत ही डीप में हर कंट्री के प्लेयर के ऊपर जा रहे हैं, और उस हिसाब से अलग अलग पैटर्न का प्लान डिजाइन करके हम उस पैटर्न के ऊपर वर्क कर रहे हैं पूरा। साथ में हम रिफ्लेक्सेस भी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स इम्प्रूव कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस अलग अलग प्रैक्टिस के जो हमको वहां पे हेल्प करेगी मेडल लाने में जी। अब कितना घंटे आप प्रैक्टिस कर रही है? सर अभी टोटल 8 to 9 hours की उनकी सारा पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, जिसमें फिजियो वगैरह सब कुछ ऐड करके पूरा शेड्यूल रहता है, और बाकी की सारी एक्टिविटी हमने अभी स्टॉप कर दी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं कि भाई टेबल टेनिस के अलावा, जैसे भाविना बहन जॉब भी कर रहे हैं तो वो जॉब में भी छुट्टी ले ली है सब कुछ जी। सेम ऐसा है कि सोनल बहन और उनके हस्बैंड का भी काफी सपोर्ट है, तो उन्होंने भी छुट्टी ले ली है, भाविना बहन के हस्बैंड ने छुट्टी ले ली है, और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग ज्यादा आउटिंग भी कहीं नहीं कर रहे अभी जी। जी लालन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ये जो विदेशी जो माहौल है, तो वहाँ स्पोर्ट्स के लिए कैसा माहौल रहता है वहाँ पर? देखिए माहौल तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी अच्छा है जी, पर हमारा क्या है कि चाइना वालों की एक मोनोपोली रहती है कि चाइना कोई भी ओलंपिक होती है तो उसके पहले वो बहुत सारे प्रोफेशनल वीडियो करके उनके प्लेयर के मार्केट में भेज देते हैं, जिससे एक मार्केट क्या होता है कि हर कंट्री के प्लेयर उनसे इंप्रेस होते हैं। तो पहला काम उनका ये रहता है कि भाई ऑफ टेबल पब्लिक को कैसे हराया जाए, हर कंट्री को कैसे बीट किया जाए, कि ओलंपिक से पहले कैसे बीट किया जाए। तो हमारा क्या होता है कि भाई हमारे इंडिया में हमारे प्लेयर से ज्यादा वीडियो चाइना वाले प्लेयरों के मार्केट में फैल रहे हैं, और बहुत ही स्पीड से ये जो अभी सोशल मीडिया का माध्यम है उसमें आप कहीं भी सर्च मारोगे यूट्यूब या कहीं भी, तो आपको चाइनीज प्लेयरों के वीडियो ज्यादा मिलेंगे, नहीं कि हमारे प्लेयरों के। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, हमारा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। पर कोई भी अच्छा कोच होगा वो इस बाबत पे ध्यान नहीं देगा और किसी चीज से इम्प्रेस नहीं होगा, वो खुद की तैयारी करेगा और वो ना ही किसी से इम्प्रेस होगा और हर कंट्री को बीट करने की पूरी कोशिश करेगा। भाविना जी, सोनल जी और लालन जी, आप अहमदाबाद स्टूडियो में आए ईटीवी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ईटीवी भारत आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं कि आप टोक्यो जाइए, पैरा ओलंपिक जाइए और भारत का नाम रोशन करिए जी। आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कैमरा पर्सन मुकेश डोरिया के साथ भरत पंचाल, ईटीवी भारत अहमदाबाद।